नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। दुनिया भर में कई ऐसी अजीबोगरीब चीजें होती हैं जिन्हें देखकर अक्सर हम हैरान रह जाते हैं। कुछ ऐसी हमारे नेचर में ऐसी खासियत होती है, कुछ जीव ऐसे होते हैं हमारी प्रकृति के जिनके बारे में अगर हम जानेंगे, जिनकी खूबियों के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा डीप नॉलेज हमें देंगे। इसके साथ ही इनके फायदे जानकर आप और हम सभी हैरान रह जाएंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे ही जीव के बारे में जिसकी खूबियाँ ऐसी हैं कि उसके लिए उसके जो प्राइस है वो 2.5 लाख तक निश्चित की गई है। जी हाँ, मैं आपको बताने जा रही हूँ ब्राज़ील में पाए जाने वाले एक ऐसे जीव के बारे में जिसे कहा जाता है समुद्री खीरा। इसका साइंटिफिक नाम कुछ और है लेकिन इसे आम भाषा में समुद्री खीरा कहा जाता है। अब इसे समुद्री खीरा क्यों कहा जाता है, इसकी वजह ये है कि ये एक खीरे के आकार में दिखता है और समुद्र में होने की वजह से इसके ऊपर कई, जो हम कह सकते हैं काई जैसी जम जाती है, एक लेयर हरे कलर की होती है वो जम जाती है और ये काफ़ी लचीला सा होता है। इसका जो टाइप कह सकते हैं बॉडी टाइप होता है ये भी काफ़ी सिलेंड्रिकल होता है, जिस वजह से इसे खीरे की तरह ये दिखता है और इसे समुद्री खीरा कहा जाता है। जो वहीं जिस समुद्र में पाया जाता है वहाँ के जो मछुआरे हैं उनका कहना है कि इस खीरे की तलाश में, यानी कि इस जीव की तलाश में, वो कई महीनों इंतज़ार करते हैं कि अगर ये जीव उन्हें मिल जाए तो उनकी जो पिछले 12 से 10 साल की कमाई है वो इस एक जीव से निकाली जा सकती है। क्यों? क्योंकि चाइना और जापान जैसे बड़े देशों में इस एक जीव के लिए, इस खीरे के लिए स्मगलिंग तक की जाती है, क्योंकि इस ये जो जीव है, ये खीरा है, इसके कई सारे फायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि जो पूरा इकोसिस्टम होता है समुद्र का, उसे मेंटेन करने में इसका काफ़ी ज़्यादा, जो है हम कह सकते हैं, इम्पॉर्टेंस है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल है इस खीरे का, इस समुद्री खीरे का। इसके साथ ही कई तरह के कॉस्मेटिक्स और जो बॉडी रिलेटेड हमारे, हम कह सकते हैं, दवाइयाँ हो सकती हैं या फिर कुछ भी ऐसी जो चीज़ जो हम ह्यूमंस के लिए अच्छी है वो इस जीव से बन सकती हैं। इसको एक, ये एक लचीला कह सकते हैं एक जीव होता है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और समुद्र के इकोसिस्टम के लिए, वैसे ही ये ह्यूमंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई सारी दवाइयाँ हैं जो बड़े सी बड़ी बीमारी होती है उसकी दवाई के लिए इस जीव के जो कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। समुद्र में जब इस जीव का मल वगैरह निकलता है तो उससे भी जो समुद्र का इकोसिस्टम है उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे, जो कह सकते हैं हम, आउटकम हमें मिलते हैं। और जो ना केवल सिर्फ इस जीव से सिर्फ समुद्र का इकोसिस्टम अच्छा रहता है बल्कि जो समुद्र में कई सारे और जानवर रहते हैं, प्राणी रहते हैं, जीव जंतु हैं, उनकी भी जो लाइफस्टाइल है वो बढ़ जाती है, लाइफ साइकिल जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन इस जीव के साथ जो एक अलग सी बात सामने आ रही है, इससे जो हमें खतरा है इंसानों को, वो ये है कि इसकी घटती आबादी। जी हाँ, ये जो जीव है इसकी स्मगलिंग शुरू हो चुकी है चाइना और जापान जैसे देशों में, इनकी मतलब स्मगलिंग होने की वजह से जो इसकी अब कह सकते हैं आबादी है समुद्रों में काफ़ी कम हो गई है और इसी वजह से अब हम कह सकते हैं कि हाँ, ये हमारे लिए एक खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि इससे कई सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और दवाइयाँ बनाई जाती हैं और इससे कई मछुआरों की भी लाइफ डिपेंड है। इसलिए इसकी घटती आबादी ना केवल समुद्र के इकोसिस्टम के लिए बल्कि उन मछुआरों के लिए जिनकी लाइफ ही इसके ऊपर डिपेंड है, उनके लिए ये खतरा बन सकता है। नमस्कार।